हेलो स्टूडेंट, अभी तक की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो मोनेरा जगत चल रहा था, उस मोनेरा जगत के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था जीवाणु के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, उसकी संरचना और उसमें पाए जाने वाले जो जनन के प्रकार होते थे बताया था। एक था कायिक प्रजनन था, एक था हमारा लैंगिक प्रजनन और एक था अलैंगिक प्रजनन। तो उन सबको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो जीवाणु है, जीवाणु को दो उपजगत में बांट दिया गया है। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा के अंदर, जो बैक्टीरिया सभी प्रकार के होते हैं, उन सभी प्रकार के बैक्टीरिया को पढ़ने की सुविधा के लिए दो उपजगत के अंदर बांट दिया गया है। एक उपजगत का नाम है आर्की बैक्टीरिया और एक जगत का नाम है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है बहुत पुराने। आर्की का शब्द मतलब होता है बहुत पुराना। अगर आपने आर्की शब्द सुना होगा, आर्कियो टेरिस, आर्कियोलॉजी, तो आर्की शब्द होता है हमारा पुराना या बहुत एंशियंट टाइम। तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर, उपजगत के अंदर ऐसे बैक्टीरिया रखे गए जो बहुत पुराने प्रकार के होते थे, एंशियंट टाइम पर पाए जाते थे, प्राचीन समय से होते थे। और यू बैक्टीरिया को कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया, वास्तविक बैक्टीरिया। अब इसके बारे में बस यही दो चार बातें जाननी है, फिर हम लोगों को मेन पढ़ना है ये वाला। तो जो आर्की बैक्टीरिया है, ये इनका जो वास स्थान होता है, रहने का स्थान होता है, बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, बहुत ही जो है कठिन वाली परिस्थितियों के अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे लवणी क्षेत्र में, जहाँ पर साल्ट हो, तुम्हारा बहुत लवणी क्षेत्र हो, बहुत ज़्यादा साल्ट की सांद्रता कंसंट्रेशन हो, ऐसी जगह जहाँ गर्म क्षेत्र हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, जैसे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब होता है गर्म पानी के झरने होते हों, या जहाँ पर ज्वालामुखी लावा वगैरह पाया जाता हो, ऐसी जगह पर पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। हेलोफिल्स का मतलब होता है लवणी क्षेत्र, जहाँ पर साल्ट की सांद्रता क्या हो, बहुत अधिक हो, नमक, फास्फेट, ये सब चीज़ें क्या पाई जाती हों अधिक मात्रा में। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर दलदल क्षेत्र हो, दलदल का मतलब हो पानी कीचड़ वहाँ पर हमेशा रहता हो, तो दलदली क्षेत्र के अंदर भी आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मिथेनोजेंस। कुछ आर्की बैक्टीरिया जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, जो अपने अंदर से मीथेन गैस का निर्माण करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो अपने अंदर से मीथेन गैस का निर्माण करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपने अंदर से मीथेन गैस का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं मिथेनोजेंस। और मिथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं अधिकतर दलदली क्षेत्र पर। और ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं, जो भोजन को बार बार अपने मुंह में चबाते रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, तो इनके जानवरों के अंदर जो आहार नाल होती है, आहार नाल के अंदर भी मिथेनोजेंस पाई जाती है। और मिथेनोजेंस करता क्या है कि बैक्टीरिया ये होते हैं अंदर जो है मीथेन गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर आर्की बैक्टीरिया इन वाले बैक्टीरिया से अलग हैं, तो किस चीज़ के आधार पर अलग हैं? तो जो हमारी आर्की बैक्टीरिया होती हैं, उनकी कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति में क्या क्या पाई जाती हैं कंडीशंस? म्यूरेमिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकन की क्या होती है, कमी होती है। और जो वसा की श्रृंखला होती है, वसा की श्रृंखला बहुत ही साखित होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये लोग इस दशाओं में भी रह सकते हैं, प्रतिकूल दशाओं के अंदर भी रह सकते हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया के हमें अंदर जो है इतना याद रखना है, मेन पॉइंट ये याद रखना है, म्यूरेमिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन की कमी, वसा की श्रृंखला साखित होने के कारण प्रतिकूल दशाओं में रहते हैं, और गर्म क्षेत्र, लवणी क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, हर जगह पर ये पाए जाते हैं, इतना याद रखना है आपको आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोगों को मेन पढ़ना है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया क्या है, ये वास्तविक बैक्टीरिया कहे जाते हैं। पोषण के आधार पर जो है इनको निम्न समूह में बांट दिया जाता है। अब पोषण के आधार पर जो है कितने समूह में बांटा गया है, तीन समूह में, और इन्हीं तीनों समूह को हम लोगों को पढ़ना है यू बैक्टीरिया के अंदर।
सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, दूसरा रासायन संश्लेषी जीवाणु और तीसरा विषम पोषी जीवाणु। अब इन तीनों के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है, तो अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग यू बैक्टीरिया, क्योंकि हमें रियल में पढ़ना है क्या यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का हर जगह पर नाम आता है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया, वरना आर्की बैक्टीरिया की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे यू बैक्टीरिया और इन्हें ही कहते हैं हम लोग ट्रू बैक्टीरिया। अब नंबर एक पर कौन सा था हमारा, प्रकाश संश्लेषी वाले जीवाणु, यानी ऐसे जीवाणु जो स्वपोषक थे लेकिन प्रकाश के साथ साथ थे। पहली हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु, जिन्हें कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या, फाइनली हम लोग जो है एनर्जी बनाते हैं या फिर भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यही काम होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम लोग लेते थे CO2 और लेते थे H2O, लेकिन यहाँ और ऑक्सीजन गैस निकलती थी और हाइड्रोजन की सोर्स के लिए हम लोग लेते थे H2O। तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन तो गैस निकलती नहीं है, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस सेकेंड सिस्टम होता है PS सेकेंड यहाँ पर नहीं पाया जाता है। पौधों के अंदर हाइड्रोजन स्रोत के लिए, हाइड्रोजन गैस के स्रोत के लिए H2O को ग्रहण किया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर हाइड्रोजन के स्रोत के लिए H2O को ना ग्रहण करके H2S, HNS3 आदि गैसों को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, इनहेल किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो इसमें बताएंगे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो है बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण करना है तो आपको किसी न किसी प्रकार का क्या पाना चाहना चाहिए, एक वर्णक पाना चाहिए। तो वर्णक या पिगमेंट जो है जैसे पाया जाता है प्लांट के अंदर क्लोरोफिल, इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और एक दूसरा पाया जाता है बैक्टीरियो वर्णक। नाम का वर्णक उपस्थित होता है, नंबर एक बात। कौन कौन सा पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वर्णक, नाम का वर्णक उपस्थित होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है तो पीएस सेकेंड अनुपस्थित होता है। पीएस सेकेंड होता क्या है, जब आपको प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो लिखेंगे ऑक्सीजन गैस मुक्त ना होने के कारण पीएस सेकेंड अनुपस्थित होता है, ठीक। तीसरी बात ये याद रखेंगे, हाइड्रोजन के स्रोत के लिए H2S, NH3 या हाइड्रोजन गैस को ग्रहण किया जाता है, लेकिन H2O को नहीं। यानी अगर हाइड्रोजन को लेना है, देखिए यहाँ पर H2S में भी हाइड्रोजन, NH3 में भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस में खुद ही हाइड्रोजन होता है डायरेक्ट, लेकिन H2O में भी हाइड्रोजन गैस होता है। अगर H2O ले लेंगे हम लोग तो हाइड्रोजन तो मिल जाएगा लेकिन ऑक्सीजन निकल जाएगी, इसीलिए हमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं करना है, इसीलिए H2O का उपयोग नहीं किया जाता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के अंदर H2O नहीं प्रयोग करते क्योंकि ऑक्सीजन गैस नहीं निकालना है। अब हम लोग इनके जो है एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कौन कौन होते हैं एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहला होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या होता है भैया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया,
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये समूह है। तीसरा होता है साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। अब हम लोग जो है इन तीनों समूह के एक एक जो है एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब जैसे ग्रीन जो सल्फर बैक्टीरिया है इसके अंदर आता है जो उदाहरण होता है हमारा क्लोरोबियम, तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसका होता है क्लोरोबियम, ये है हमारा बैक्टीरिया का नाम। इसके अंदर आता है एग्जाम्पल क्लोरोमाइशियम, क्लोरोमेशियम। इसके अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर नॉस्टॉक और एक आता है एनाबिना, नॉस्टॉक और एनाबिना। तो ये हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया। अब इसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है भैया आपको पता होगा ब्लू गुलियन एल्गी, और ये जो है हमेशा ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं तो इन्हें कहते हैं ऑक्सीजनिक और इनको कहते हैं एनऑक्सीजनिक। तो लिख सकते हैं यहाँ पर नोट में, नोट में क्या लिखेंगे, साइनोबैक्टीरिया या इन्हें ही कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए पिगमेंट, ए वर्णक पाया जाता है, पाया जाता है जिससे यह ऑक्सीजनिक होते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, जिससे ये ऑक्सीजनिक होते हैं। ये बात हो गई हमारी काहे की बात हो गई, जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक वाले हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी वाले हैं, इनको एक बार दोहराएंगे। क्या है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु के अंदर क्या याद रखेंगे, कौन कौन से वर्णक होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरियो वर्णक पाए जाते हैं। ऑक्सीजन मुक्त ना होने के कारण पीएस सेकेंड अनुपस्थित होता है। पीएस सेकेंड क्या होता है ये आपको प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, बड़ा टॉपिक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के स्रोत के लिए H2S अमोनिया, हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है लेकिन H2O को नहीं, क्योंकि अगर H2O को ग्रहण करेंगे तो ऑक्सीजन गैस को क्या करना पड़ेगा, मुक्त, इसलिए H2O को ग्रहण नहीं किया जाता। कितने एग्जाम्पल, कितने तरीके के आते हैं, तीन तरीके के, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में उदाहरण याद रखना है क्लोरोबियम, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में याद रखना है क्लोरोमेशियम, साइनोबैक्टीरिया में क्या याद रखना है नॉस्टॉक एनाबिना, और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं नीले हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए वर्णक पाया जाता है जिससे क्या होते हैं ऑक्सीजनिक होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।